आज हम व्याकरण फिर से पढ़ेंगे। अभी हमने इसके पहले भाषा सेतु का एक अभ्यास पढ़ा था, अब हम फिर से व्याकरण में वापस आते हैं। तो व्याकरण का पांचवा अभ्यास है, पांचवा चैप्टर है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? सुना तो होगा आप लोगों ने, संज्ञा किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति आदि का नाम का जिससे बोध होता है उसे कहते हैं संज्ञा। तो संज्ञा की क्या परिभाषा थी? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराए वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो संज्ञा क्या होता है? पहले प्राणियों का नाम, जैसे मनुष्यों का नाम राम, रहीम, जिस प्रकार के भी नाम हो सकते हैं, शीतल, ये हो गया प्राणियों के नाम। स्थान का नाम रायपुर, भिलाई, दिल्ली, आगरा, मुंबई। और वस्तु का नाम जिस प्रकार से ताजमहल, संगमरमर, केले, कुर्सियां, पुस्तक, चौक, ये सारे जो है वस्तुएं हैं। और भाव का नाम सुंदरता, इस प्रकार से जो भाव उत्पन्न करते हैं ना, सुंदरता और कठोरता, कोमलता, तो ये जो शब्द प्रकट करते हैं भाव, ये कहलाते हैं भाव के नाम। इसके बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, नीचे लिखे सभी शब्द संज्ञा हैं। तो इसके बहुत सारे उदाहरण आपके पुस्तक में दिए गए हैं कि संज्ञा होती क्या चीज है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसके विषय में आप लोग पुस्तक में से देखकर पढ़ लेंगे कि संज्ञा में क्या क्या आता है। व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जाति का नाम, स्थान का नाम, ये सारे कुछ संज्ञा में आते हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। हम कक्षा 4, क्लास 4 में संज्ञा के तीन भेद पढ़ रहे हैं। आगे की कक्षाओं में आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आप संज्ञा के 5 भेद भी पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 4 में हम संज्ञा के 3 भेद पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति, किसी स्थान या किसी वस्तु का बोध कराता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके भी बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं, व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, नदियों के नाम, इमारतों के नाम, ये सारे होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। पहला हमने पढ़ा संज्ञा का पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराता है, किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान की पूरी जाति का बोध कराता है वो होता है जातिवाचक संज्ञा। तो इसके भी उदाहरण दिए गए हैं, गाय चर रही है, लड़की पढ़ती है, खिलौना टूट गया, नदी बहती है, पेड़ टूट गया, विद्यालय चलो। और इन वाक्यों में जो रेखांकित है, जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण जो रेखांकित किए गए, अंडरलाइन किया गया है जिनके नीचे। तो आज हमने कक्षा में पढ़ा संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और एक तीसरा भेद क्या होता है? वो होता है भाववाचक। तो तीन भेदों के विषय में पढ़ा। व्यक्तिवाचक क्या होता है? जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए, व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए वो व्यक्तिवाचक। तथा दूसरा हम लोगों ने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराती है वो होती है जातिवाचक संज्ञा। तो आज की कक्षा में हमने संज्ञा के 2 भेद पढ़े, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक।